नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए अध्याय के साथ हाजिर हैं। और आज का हमारा अध्याय है आरंभिक किसान एवं चरवाहे। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि आदि मानव कैसे गुफाओं में रहकर जीवन व्यतीत करता था। वह शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था करता था। हमने ये भी देखा कि आग की खोज कैसे हुई। आज के इस अध्याय में आदि मानव के विकास की अन्य बातों की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम साक्ष्य के भोजन से इस अध्याय की शुरुआत करेंगे तथा कृषि की शुरुआत कैसे हुई, पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई और पहिए का आविष्कार किस प्रकार हुआ, इसका हम आज पता लगाएंगे। एक बार साक्ष्य की माँ रसोई में खाना बना रही थी, तभी साक्ष्य ने माँ को देखा और फटाफट माँ के पास पहुंच गया। उसने माँ से पूछा, माँ आज क्या बना रहे हो? माँ ने कहा, आज दाल चावल और रोटी बनने वाली है। तब साक्षी ने थोड़ा सोचा और अपनी माँ से फिर से पूछा, ये अनाज या ये सारी चीजें सबसे पहले कहाँ से आई होंगी? किसने सबसे पहले इन्हें उगाया होगा? तब माँ बड़े प्यार से उसे समझाते हुए आदि मानव के इतिहास के बारे में बताने लगी। माँ ने कहा, बेटा आज हम कृषि या पशुपालन करने का जो तरीका देख रहे हैं वह पहले से ही ऐसा नहीं था। मनुष्य को ऐसा करने या ऐसा बनने में बहुत लंबा समय लग गया। वह पहले शिकारी जीवन व्यतीत करता था। जानवरों का मांस तथा जंगली फलों से अपना पेट भरता था, क्योंकि तब वह अनाज के बारे में नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन होने लगा। इसके साथ साथ नए नए घास के मैदान तथा पेड़ पौधों का भी विकास होने लगा। उस समय मानवों ने देखा होगा कि कुछ पौधे पकने के बाद अपने बीज गिरा देते हैं तथा उन बीजों से पुनः नया पौधा उगने लगता है। ऐसा देखकर मानवों ने उन बीजों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया और जहां वे रहते थे उसके आसपास इन्हें बोना भी शुरू किया तथा उसकी देखभाल करने लग गए। कृषि की शुरुआत से आदि मानव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। बच्चों, यह तो आप जानते ही हैं कि एक फसल बोने से लेकर पकने तक काफी समय लेती है। उसे जंगली जानवरों से बचाना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। यही कारण था कि आदि मानव अब एक ही जगह पर रहने लगे थे। इस समय घास खाने वाले जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। ये जानवर मनुष्यों से डरते थे तथा झुंड में रहते थे। मानवों ने इन जानवरों को आकर्षित करने के लिए इन्हें इनकी पसंद के भोजन का लालच दिया होगा। अपनी जरूरतों के मुताबिक उन्होंने इन जानवरों को पालना शुरू कर दिया। बच्चों, सबसे पहले आदि मानव ने कुत्ते को अपना पालतू बनाया। इसके बाद गाय तथा भेड़ बकरियों को पालने लगे। इन जानवरों से वे मांस तथा दूध प्राप्त करने लगे थे। आइए अब बात करते हैं पहिए के आविष्कार के बारे में। जब आदि मानव जंगलों में रहता था उस समय कभी ऐसा हुआ होगा कि उसने किसी लकड़ी के गट्ठे को ढलान में लुढ़कते देखा होगा, तो उसके दिमाग में पहिया बनाने का विचार पैदा हुआ होगा। शुरू में लकड़ी के गट्ठे को काटकर उसने गोल पहिया बनाया होगा। फिर धीरे धीरे सामान को
एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार से मजबूत पहिए बनने शुरू हो गए होंगे। और आज हम देख सकते हैं कि विभिन्न वाहनों में लगे पहिए पहले की तुलना में कितने अलग हैं। आइए अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने साक्ष्य के भोजन के प्रश्न से इस अध्याय की शुरुआत की। कृषि कार्य के प्रारंभ तथा पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हमने आज पढ़ा। पहिए का आविष्कार कैसे हुआ इसका भी हमने आज अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे जिनमें मानवों के स्थायी जीवन के विकास को जानेंगे, गांवों की स्थापना के पीछे का इतिहास जानते हुए पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही मेहरगढ़ तथा कोल्डी हवा नामक स्थानों के बारे में सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।